Hi. 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 I'm good. आपने काफ़ी समय शिव के साथ साउथ अफ्रीका में बिताया, क्या कुछ कहना चाहोगे इस दौरान? सबसे अच्छी बात क्या लगती है और उनका कल बर्थडे भी है? शिव को मैं बिग बॉस से जानती थी और मेरे मॉम डैड माय होल फैमिली शिव के फ़ैन थे बिग बॉस से, और लेकिन शिव को मुझे खतरों में एक्चुअल में जानने को मिला, तो आई एम रियली ब्लेस्ड दैट वी आर फ्रेंड्स नाउ। और शिव की जितनी भी पूरी फ़ैन फॉलोइंग है और जितनी भी आर्मी है और शिव के फैंस हैं, उन लोगों ने एक हैशटैग निकाला है कॉल्ड ओनली शिव ठाकरे मैटर्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसे इतना प्यार मिलता है और अपने फैन से भी और अपने दोस्तों से भी। सो आई जस्ट वांट टू से हैप्पी बर्थडे शिव, अल्लाह आपको खूब तरक्की और कामयाबी दे और आपकी उम्र दराज हो, आमीन। एंड हैशटैग ओनली शिव ठाकरे मैटर्स, थैंक यू। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैं चाहूँगी कि शिव शो भी जीते, और अर्जित भी है शो में, डीनो है, मैं चाहूँगी कि सभी जीते। पता नहीं क्या होने वाला है, फिनाले का वेट कर रही हूँ। सो या आई जस्ट विश शिव ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। भाग्य की अगर आप बात करें, आपने काफ़ी बड़ा राज खुल चुके हैं पारस के, आपने बताया उस राज के पीछे क्या राज है, क्या होने वाला है? आपने डैड उनको बता दिया, असली डैड कौन है, उनके फैमिली कौन है वो बता दिया। अच्छा हाँ, तो वो तो बहुत ही पहले बताया था, लेकिन अभी प्लान ये है कि श्रद्धा एज इन प्रीता को ना पता चले, उसकी याददाश्त वापस ना आए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि उनके उन्हें चीज़ें याद आए और फिर से उनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो। बट बाकी सबके लिए यू हैव टू वॉच कुंडली भाग्य। थैंक यू।